आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन, जिसके लिए हमने करीब ये 1 किलो चिकन लिया हुआ है। इस चिकन के हमने स्लाइड करके हल्का हल्का काटा हुआ है इसको, ताकि अच्छे से इसमें जो मसाला है वो अच्छे से घुस जाए चिकन के अंदर। ये हमने गरम मसाला लिया है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये दही है 250 ग्राम, जिसको हमने इसमें से पानी निकाल लिया है इसको कपड़े में बांध के, इसका पानी जो सारा 1 घंटे तक इसको टांग के रखा ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए सारा का सारा। ये है नींबू का रस, ये 1 नींबू का रस है। मैरिनेशन में हम ऑयल भी यूज़ करेंगे, सरसों का तेल है ये, कश्मीरी मिर्च और ये थोड़ा सा मीट मसाला। सब इन सबको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो चिकन है उसको ऐड करेंगे। चिकन के बाद हम इसमें जो हमने ये दही लिया हुआ था, इस दही को ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये नींबू का रस, करीब आधा चम्मच इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे, करीब 1 चम्मच इसमें हम नमक ऐड करेंगे, आधा चम्मच इसमें हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, मीट मसाला करीब 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च भी हम इसके अंदर करीब 1 चम्मच ऐड करेंगे। कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा कोई कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम हल्दी भी यूज़ नहीं करेंगे। बस अब इस मैरिनेशन को हम अच्छे से हाथ से मिलाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, करीब आधा बड़ा चम्मच इसमें ऑयल ऐड करा है हमने। अब इस मैरिनेशन को हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अपने कमेंट भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें।